बराबर दे रखा है दोस्तों लॉग कोष्टक बंद एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड। तो ज्ञात करो डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड का होल स्क्वायर। इसको पहले अलग लिखेंगे आपको सॉल्यूशन करने के लिए। डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल वाई डेल जेड एक बार ऐसे लिख दिया, फिर एक बार और अलग से लिखेंगे डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल वाई डेल वाई प्लस डेल वाई डेल जेड। यू लिख दिया। दो बार लिखने के बाद अपन चूंकि ज्ञात कर चुके हैं कि बराबर अपन क्या था पहले तीन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये ज्ञात कर चुके हैं। अब इसका पद ऐसे किसी यहां पर लिख देंगे अपन डेल अपॉन डेल वाई जेड कोष्टक बंद थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई। इस पद को ऐसे कैसे लिख दिया और ये ऐसे लिख दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग टर्म्स के साथ डेल अपॉन डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डेल अपॉन डेल वाई तक बन थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डेल अपॉन डेल वाई कोष्टक थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ तक लिख दिया अपने, क्योंकि अपन जानते हैं कि वन अपॉन एक्स डेल बाय डेल एक्स वन बाय एक्स का अपने अवकलन करना हो तो x ऊपर चल जाता है, इसकी घात माइनस वन, तो इसका अवकलन होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये अवकलन होगा। तो ऐसे कैसे यहाँ पर लिख देंगे डेल बाय डेल एक्स कोष्टक बन तीन अपॉन एक्स प्लस वाई जेड का अवकलन होगा यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स बराबर अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर किया। और ये आंशिक अवकलन है। और y अक्षर है z अक्षर है तो इसको x प्लस वाई जेड को आप x मान के करेंगे तभी वही होगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर मान रखेंगे तो ये बनेगा। इसी प्रकार y का y के सापेक्ष भी माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर z यहाँ z के सापेक्ष करेंगे डेल अपॉन डेल जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का
होल स्क्वायर, ये अवकलन होगा। नीचे का पद तीनों में सेम है तो लघुतम आ जाएगा, होल स्क्वायर यहाँ प्लस तीन माइनस तीन तो आ गया माइनस नौ अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पर u बराबर ये दे रखा है, एक बार और देख लेते हैं इसको, दो बार इसका स्क्वायर दे रहे हैं, अलग अलग लिख दिया, एक बार इसका मान अपन ने ज्ञात कर लिया, डेल तीन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको पद की जगह इसको अंदर अलग अलग अवकलन के साथ लिख दिया। उसके बाद अपन जानते हैं चूंकि डेल अपॉन डेल एक्स वन अपॉन एक्स का अवकलन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, तो इस पूरे पद को इसको एक्स और एक्स के साथ अवकलन करेंगे तो ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, तीनों में ये कॉमन लिया और तो ये आ जाएगा। आया बैंक है।